हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हेयर स्टाइल की वीडियो आई बटन पे है तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत वे में बहुत ही इजी तरीके से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो और इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो। तो हेयर स्टाइल तो कर लिया बट मेकअप के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं लगानी थी। मैं बहुत सिंपल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव मेकअप लुक चाहती हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आपको सिंपली सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और अपने पूरे फेस पर इस तरीके से लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ना तो कोई कलर करेक्टर लगाया, ना ही फाउंडेशन, ना ही कंसीलर, ना ही जो भी मेकअप स्टेप होते हैं, कुछ भी नहीं किया है। डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं यहाँ पे अपना मेकअप कंप्लीट करूँगी। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्लशर एंड हाईलाइटर, देखिएगा फाइनल लुक कैसा आता है। आई मेकअप के लिए भी बहुत ईजी ट्रिक बता रही हूँ, तो एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की वीडियो डे बाई डे मेरे चैनल पर आती रहती है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ब्लशर का। ब्लशर के बिना हमारा मेकअप जो लुक होता है वो नेचुरल नहीं आता और अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा गालों को पिंक पिंक करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लशर को कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे डे के लिए। नाइट के लिए ऑल टाइम आप इस तरीके का मेकअप करके रह सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और ये ना तो आपके पसीने से जाने वाला, ना ही पानी से। ओके, तो इस तरीके से आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर को थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई किया है नोज पे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने मेकअप नहीं किया है और बहुत अच्छा लुक आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से लगाया है। हाँ, लाइनर मस्कारा ज़रूर लगा लीजिएगा, उस आइज़ को, आइज़ की खूबसूरती से ही हमारा पूरा मेकअप लुक अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से मैंने हाइलाइटर को आइज़ के ऊपर भी लगाया है। अगर हल्का फुल्का डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो वो भी हाइड हो जाएगा। और आप आई मेकअप नहीं करना चाहते इस तरीके से भी अपने मेकअप को कम्प्लीट कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आई शेडो के, आई मेकअप के लिए मैंने इस तरीके का सीमर वाला आई शेडो पैलेट लिया है, सीमर लिया है। उसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी, यानी कि ब्लैक ले रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके का कलर ले सकते हो। तो ब्लैक लेके मैंने इस तरीके से आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कलर जो होगा, देखिए ब्लैक को थोड़ा इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जो कलर है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू। ओके, पहले डार्क लेना है उससे, फिर उससे थोड़ा सा लाइट लेना है, फिर उससे थोड़ा लाइट लेना है, फिर उससे थोड़ा लाइट लेना है। इसी तरीके से पूरे मेकअप लुक को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ना तो आपको कट क्रीज बनानी है, ना ही हैवी कंसीलर यूज़ करना है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट मैंने इस तरीके से, अगर आप आई शेडो ले रहे हो तो आपको कंसीलर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका कलर उबर के नहीं आता। लेकिन आप सीमर से विदाउट आई शेडो कलर वगैरह कुछ भी यूज़ किए बिना आप सीमर से अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से उसके बाद ब्लू के बाद मैंने लाइट पिंक कलर का आई शेडो लिया है और इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का आई शेडो ले रही हूँ और इनर कॉर्नर पे लगा देंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से लगा लिया है मैंने। एंड लो वाटर लाइन पे भी ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे। पहले गोल्डन कलर का इनर कॉर्नर पे लगा लिया है। बहुत प्यारा सा आई मेकअप, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया है, लग रहा बहुत हैवी है। तो पिंक वाला दिख नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक लेके यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप भी डन हो गया है। कि कितना इजी वे में बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया हो। और ब्लैक वाला आई शेडो दोबारा से ले रहे हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ और ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि जो आई लाइनर लगेगा तो आई मेकअप बहुत अच्छा दिखे। और बहुत अजीब दिख रहा था इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। वाह, आपको कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी वे में आप इस तरीके से आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। ब्राइडल का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाइलाइटर को थोड़ा आई ब्रोज के नीचे जरूर लगाएगा। ब्लैक कलर वाला आई शेडो लेके इस तरीके से लो वाटर लाइन को भी लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद अगर आप काजल अप्लाई करते हो तो आपका काजल बिल्कुल फैलेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने आई शेडो लगा लिया है। अब यहाँ पे सिल्वर कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, एग्जैक्ट वैसे ही करना है। और इसी सिल्वर कलर के आई शेडो को थोड़ा सा आई ब्रोज के नीचे लगाएंगे अपने आई मेकअप को प्रोफेशनल और थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि बहुत मुश्किल है करना लेकिन है बहुत ईजी। तो इस तरीके से करिए।
अब हम लोग लाइनर एंड मस्कारा से अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे लाइनर लगाऊंगी। लाइनर जो है वो लैक्मे 925 का होगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके इस तरीके से सारे कलर को आपस में ब्लेंड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में मैंने ये आई मेकअप कंप्लीट किया है। इस तरीके से लाइनर को लगाएंगे, थोड़ा सा चौड़ा लाइनर लगा रही हूँ, और चौड़ा लाइनर लगाने की एक रीज़न ये भी था कि आगे आप फ्रंट पे देख रहे हो कि फैल गया था, तो मैंने इस तरीके से चौड़ा कर लिया था। ओके, अब इसी तरीके से सेम आपको दूसरी आईज में भी करना है। हेयर स्टाइल की अमेजिंग वीडियोज एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, बहुत इजी वे के साथ, बहुत ही आसानी से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेकअप बताती हूँ, पूरी बारीकी के साथ, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी दिक्कत आती है तो हर एक चीज़ को क्लियर करती हूँ मैं, और बिल्कुल बारीकी के साथ, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी मेरी सारी वीडियोज़। तो जो भी पार्लर का काम एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह सीखना चाहते हैं उनको मेरी वीडियोज और मेरा चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ईजिली सीख पाएँ, घर बैठे भी सीख सकते हो बहुत आसानी से। इस तरीके से इनर कॉर्नर पे आपको आईलाइनर लगाना है, और लो वाटर लाइन पे भी लगा देना है। आईलाइनर की फुल डिटेल वीडियो जो अलग से डाली हुई है, आईलैसेस कैसे लगाते हैं उसकी डिटेल वीडियो डाली हुई है। आईलैसेस लगाने में जो जो दिक्कतें आती हैं वो वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आई बटन पर क्लिक करके आप आईलैसेस वाली वीडियो देख सकते हो। इस तरीके से आराम आराम से बिल्कुल करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि लाइनर बिगड़ा तो पूरा मेकअप खा गया। तो इसलिए एकदम बिल्कुल आराम से लाइनर लगाने में कोई जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल 5 मिनट का टाइम लीजिए, क्योंकि अगर आपका बिगड़ गया तो आपका 10-15 मिनट चला जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम से ही कीजिए। ग्लो वाटर लाइन पर इस तरीके से लाइनर को लगा लेंगे। ओके, तो ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आई मेकअप कुछ इस तरीके का है, आईलेसेस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। भी डिटेल वीडियो आई बटन पे है, तो वहाँ पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको डे बाई डे मिलते रहें और आपका फ़ायदा उठा पाए। देखा आपने बहुत ईजी तरीके से इतना खूबसूरत सा मेकअप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, और ये हेयर स्टाइल की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आई लैसेज मैंने लगाए नहीं है, ये फिल्टर है, तो आप आई लैसेज लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेकंड चैनल पे भी जरूर जाओ। इसी तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ एंड अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल वीडियोज़ वगैरह आपको देखने को मिलते रहेंगी। देखिए कितना प्यारा सा, ये सिर्फ मैंने एक रबड़ बैंड से बनाया था, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। और इस तरीके से बहुत सारी आई मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड पार्लर से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।